बरसात के बाद जल भराव की सबसे बड़ी समस्या को मथुरा में नयति हॉस्पिटल के समीप के वाशिंदे झेल रहे हैं। पीड़ित लोगों ने बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर समस्या हल करने की मांग की। मथुरा नगर निगम के वार्ड नंबर 24 के अंतर्गत नयति हॉस्पिटल के पास बाईपास रोड की सर्विस लेन पर भारी जल भराव स्थानीय लोगों के लिए समस्या बना हुआ है। जल भराव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने गुरुवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की निकासी की कोई व्यवस्था आज तक नगर निगम ने नहीं की है और न ही वहां के पार्षद का इस ओर कोई ध्यान है। बिना बारिश के भी वहां आए दिन जलभराव की समस्या रहती है। जलभराव होने के कारण आने जाने में लोगों को काफी समस्या होती है। वहीं पढ़ने लिखने वाले बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें भी काफी दिक्कत होती है। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि जल भराव होने से मच्छर पनप रहे हैं, डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों का भी डर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगे हम भूख हड़ताल और प्रदर्शन भी करेंगे। आज NH2 वार्ड नंबर हमारा 24 के सभी स्थानीय निवासी DM साहब को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि NH2 की स्थिति नियति मेडिसिटी के बाहर की किसी से छुपी नहीं है। सारे अधिकारी से लेके एक छोटे लेवल तक का कर्मचारी भी वहाँ से पास होता है, लेकिन ध्यान कोई नहीं दे रहा। NH2 पे आज आप देखेंगे नियति मेडिसिटी के बाहर का जो सर्विस रोड बना हुआ है पूरा पानी भरा हुआ है। वहाँ बिन बारिश के भी कम से कम 2 फीट पानी पूरे टाइम जमा रहता है। आप हाईवे से सटी हुई जो भी हमारी बाईपास की कॉलोनी है उनकी स्थिति देखिए, उनकी स्थिति से कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा। पूरी इस नाला नहीं है वहाँ, नगर निगम का कोई नाला नहीं है जिसमें पानी की निकासी हो। इस संबंध में हम लोगों ने 18 तारीख को महापौर महोदय से टाइम लिया। उन्होंने कहा 12 बजे मैं उपस्थित रहूँगा, आप आइए अपनी समस्या को लेके। लेकिन 12 बजे जब स्थानीय निवासी जैसे आ जाए हैं, 18 तारीख को हम नगर निगम गए थे, लेकिन वहाँ महापौर तो छोड़िए एक अधिकारी हमें उपस्थित नहीं मिला। हम स्टेनो मैडम को ज्ञापन दे के आए और उसमें हमने 3 दिन का समय दिया उनको कि हमारा इसका कोई स्थायी सॉल्यूशन निकाला जाए, लेकिन 3 दिन में अभी तक कोई भी एक नगर निगम का कर्मचारी वहाँ देखने तक नहीं आया। हम आज 3 दिन अपने ख़त्म होने के बाद आज DM साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इस संबंध में वह व्यक्तिगत निरीक्षण करें स्थल का। आए दिन उसमें अभी 1 महीने पहले सीवर लाइन के नाम पे 8-8 इंची के पाइप डाल दिए जाते हैं NH2 को खोद के, अच्छे खासे पक्के रोड को ख़राब करके, और उस पर मात्र कच्ची मिट्टी